अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 का ट्रेलर हम सभी के सामने आया। हंसी मजाक से भरपूर, कंफ्यूजन से भरपूर ये ट्रेलर सभी को बेहद ही पसंद आया। ट्रेलर ने भी चंद ही मिनट में बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े, सबसे तेजी से 1,00,000 व्यूज हासिल करने के और लाइक्स भी हासिल करने के। अब अक्षय की इस फिल्म का जो रेस्पॉन्स है वो दर्शकों के साथ सेलिब्रिटीज को भी काफी पसंद आ रहा है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम सेलिब्रिटीज रिएक्शन, जो पहले हाउसफुल 4 के बारे में काफी कुछ कह चुके हैं। आइए जानते हैं कि अक्षय की आने वाली कॉमेडी फिल्म के बारे में बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर्स का क्या कहना है, क्योंकि फैंस तो हाउसफुल 4 का खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। इस कॉमेडी फिल्म को देखने के लिए दर्शक तो बेताब हैं, लेकिन बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर भी अक्षय की सराहना करने में पीछे नहीं हटते। सबसे पहला नाम आएगा इसमें सलमान खान का। सलमान खान अक्षय की बड़े ही मनमुटाव की खबरें आती है, लेकिन सलमान हमेशा से ही अक्षय की बेहद ही रेस्पेक्ट करते हैं। अक्षय कुमार को अकी के नाम से पुकारने वाले सलमान खान ने हाउसफुल 4 के लिए अक्षय कुमार के लिए गुड विशेस दी। उन्होंने कहा कि अपने ही आप में अक्षय कुमार आज ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने बॉलीवुड को संभाले हुए हैं। सलमान ने कहा कि 90s के दशक से मैं अक्षय को देखते हुए आ रहा हूं, और हम में से जितने भी एक्टर हैं अक्षय ही एक ऐसे किरदार हैं जिन्होंने अपने आप को सबसे तेजी से और सबसे ज्यादा इम्प्रूव किया है। सलमान खान ने कहा कि अक्षय कुमार जिस प्रकार से काम करते हैं, हर एक्टर का एक सपना होता है कि हम भी उसी प्रकार से काम करें। खैर, अक्षय कुमार की हाउसफुल 4 के बारे में सलमान खान ने कहा कि ये एक शानदार फिल्म होगी और उम्मीद करता हूं कि अक्षय बॉक्स ऑफिस पे बड़े रिकॉर्ड बनाए। अक्षय की हाउसफुल 4 पे शाहरुख खान ने भी दमदार बात कहते हुए लिखी। मीडिया कर्मियों द्वारा शाहरुख खान से जब पूछा गया कि आपकी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर दिवाली पे रिलीज हुई थी और खराब कंटेंट होने के बाद भी रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग डे फर्स्ट डे कलेक्शन करके गई थी, तो क्या बड़े त्योहारों का फायदा ऐसा ही होता है, क्या फिल्मों में कंटेंट यूज नहीं होता? तो शाहरुख खान ने बेहद ही शानदार रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा कि इस दिवाली पर हम हाउसफुल 4 को एक शानदार कंटेंट वाली फिल्म देख कह सकते हैं। शाहरुख खान ने आगे कहा कि कोई भी फिल्मकार या फिर एक्टर ऐसा नहीं चाहता है कि उसकी फिल्म कंटेंट के बिना रिलीज हो, बस ऐसा नहीं होता कि उसकी सारी ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर हो। उसके बाद शाहरुख खान ने आगे कहा कि अक्षय कुमार को हाउसफुल 4 के लिए शुभकामनाएं देंगे, और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं भी इस फिल्म को देखने के लिए बेताब हूँ, क्योंकि एज ए कॉमेडी एक्टर अक्षय मुझे इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। शाहरुख खान का ऐसा रेस्पॉन्स अक्षय के लिए बेहद ही शानदार रहा। अब इसके बाद अक्षय कुमार के पड़ोसी यानी कि ऋतिक रोशन का रिएक्शन भी हाउसफुल 4 पर आया। इन दिनों हाउसफुल 4 से पहले वॉर रिलीज होने वाली है और उसके प्रमोशन में ऋतिक जुटे हुए हैं। इन्हीं में कई मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऋतिक जा रहे हैं, तो वहां पर अक्षय कुमार के बारे में पूछा गया। ऋतिक से पूछा गया कि जिस प्रकार से अक्षय आपके पड़ोसी हैं, लेकिन वो साल में 3-4 फिल्में कर देते हैं, जबकि आपकी फिल्म सालों साल एक ही रिलीज होती है, और आप अक्षय की अपकमिंग फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऋतिक रोशन ने बेहद ही धमाकेदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अक्षय कुमार जैसा बॉलीवुड में और कोई एक्टर नहीं है, उनकी जितनी कार्य क्षमता शायद ही कोई और एक्टर में है। ऋतिक ने खुद का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि अक्षय के मुकाबले मेरे में काम करने की क्षमता काफी कम है, मैं काफी आलसी हूँ, जबकि अक्षय कुमार काफी तेज तर्रार है। अक्षय कुमार की हाउसफुल 4 से वॉर का कंपैरिजन करते हुए कहा कि दोनों ही फिल्म भले ही एक महीने में रिलीज हो रही हो, लेकिन कंटेंट अलग है और दिन अलग है, ऐसे में क्लैश का तो सवाल ही नहीं उठता, इसको क्लैश कहने वाले खुद मूर्ख है। तो दोस्तों, आपको इन सेलिब्रिटीज का रिएक्शन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और सब्सक्राइब करें देखो देखो ताकि आने वाली अपडेट आप तक पहुंचे। सबसे पहले वीडियो पर एम करते हैं 1,000 लाइक्स के लिए।